kinematics and the pressure force or force are also considered for the fluid in motion. That branch of science is called as fluid dynamics. So these are the three basic definition of the fluid. That is, what is fluid static, fluid kinematics and fluid dynamics. In teen definition ke upar kabhi ek question puch sakta hai. Explain the correct statement depending ek statement diya jayega. What is a fluid static, to uske teen char option rahenge, ho sakta hai. एक स्टेटमेंट रहेगा फ्लूड, व्हाट इज फ्लूड काइनेमेटिक्स, उससे रिलेटेड तीन चार स्टेटमेंट रहेंगे, मे बी हो सकता है. एक क्वेश्चन रहेगा डिफाइन फ्लूड डायनामिक, उसके रिलेटेड तीन चार स्टेटमेंट रहेंगे. हो सकता है आपको पूछा जाए कि करेक्ट कौन सा है, वो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा. तो यू मस्ट नो व्हाट इज फ्लूड स्टैटिक, फ्लूड डायनामिक्स एंड फ्लूड काइनेमेटिक. सो व्हाट इज फ्लूड स्टैटिक? फ्लूड स्टैटिक इज द स्टडी ऑफ द फ्लूड अंडर रेस्ट कंडीशन. इफ वी स्टडी the behavior of the fluid under the rest condition, that study or behavior is called as fluid static. Concept clear hai? Agar liquid, maybe liquid, maybe gas, okay, uski study agar hum fluid ke rest condition mein karte hain, so that study of the fluid at rest condition is called as fluid static. If we study the fluid in its motion condition, it means that the fluid is in motion condition, but without considering the various pressure forces which is acting on the fluid while flowing, means if we doesn't consider the various pressure forces acting on the fluid when the fluid is in motion, that study of the fluid is called as fluid kinematics. मतलब सपोज मान लो कि एक फ्लूड फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लूड के ऊपर वेरियस प्रेशर फोर्सेस एक्ट होते हैं, लेकिन अगर हम उन वेरियस प्रेशर फोर्सेस को कंसिडर न करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूड काइनेमेटिक्स. ये लेकिन अगर हम वेरियस प्रेशर फोर्सेस को अगर कंसिडर करें while studying the behavior of the fluid in motion, that study is called as fluid dynamics. ये तीन चीजें क्लियर हो गई. सबसे पहले जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया, दैट इज फ्लूड. फ्लूड इज एनी सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स. क्लियर? विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज एग्जाम्पल वॉटर. वाटर बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अगर आप रख दो जमीन पर तो वो ऑटोमेटिकली फ्लोट होता है, फ्लो होता है. एयर ऑटोमेटिकली फ्लो होती है, उसको फ्लो होने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती. स्टीम अगेन विच फ्लोज ऑटोमेटिकली विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट मैटर एग्जिस्ट इन टू स्टेट. एज वी नो एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ is exist in the two state, that is solid and the fluid. एक तो solid form में रहता है या फिर fluid form में रहता है. fluid को हम कहते हैं, that is liquid, gases and steam. liquid, gases and steam comes under the category of the fluid. okay, solid doesn't flow. इसलिए हम सॉलिड को फ्लूड नहीं बोलते. सॉलिड इज डजंट फ्लो बट इट मूव्स आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. खुद होके सॉलिड मूव या फिर फ्लो नहीं होता. बट सम ऑफ द एग्जम्पशंस आर देयर, दैट एग्जम्पशंस आर कॉल्ड एज सेमी सॉलिड. सम ऑफ द एग्जम्पशंस आर देयर, दैट एग्जम्पशंस आर कॉल्ड एज सेमी सॉलिड, लाइक घी. अगर आप घी को फ्रिज में रखेंगे उसका फेस चेंज हो जाता है, वो सॉलिड होता है, बट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द टेम्परेचर घी डालडा मे कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड आफ्टर कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इट फ्लो ऑटोमेटिकली विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स. अगेन एग्जाम्पल इज ग्लिसरीन. अगेन एग्जाम्पल इज हनी. अगेन द एग्जाम्पल इज
your tomato ketchup, these are the substance comes under the category of semi solid or semi liquid, dono hum bol sakte hain. Okay, so is this this is clear? यहां तक आप लोगों का क्लियर है सर? ब्लड, हाँ ब्लड अगेन इट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सर ब्लड किसमें आएगा? सेमी सॉलिड या फिर हम उसको बोल सकते हैं सेमी लिक्विड, क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से वो कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म में. वही बल्ब ब्लड अगर बॉडी के बाहर आ जाता है टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होता है दैट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. क्लियर? Next, now what is the difference between solid and the fluid? So you can see on my screen there are three different diagrams. First for the solid, liquid, and glass gases, and one table is again there to categorize the properties of solid, liquid, and gases. Okay. So first difference is a solid is generally cone shaped and changes in volume under pure compressive load. Okay, solid has its own size and shape, but liquid and gases doesn't. Liquid and gases, उसको बोलने के rather हम बोल सकते हैं fluid. Okay, the spacing and latitude of motion of molecules are very small in solid, large in liquid, and extremely large in gases. Again, we know that the substance, any substance is made up of small atom and small molecules. बराबर, तो small molecules और atom के जो बीच में जो force of attraction होता है उसी से मिलकर एक object तैयार होता है, maybe solid, liquid और gases. बराबर, तो अगर force of attraction is very large तो क्या होता है, solid के formation में होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो तो लिक्विड के फॉर्म में होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ही कम हो तो क्या होता है, गैसेस के फॉर्म में होता है. क्लियर? द थर्ड पॉइंट इज द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड, वीक इन लिक्विड एंड वेरी वीक इन गैसेस. जैसा मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड. वो मोर होता है इन केस ऑफ सॉलिड, वीक होता है इन केस ऑफ लिक्विड, और वेरी इन केस ऑफ होता है गैसेस. तो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो बॉन्ड है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए मॉलिक्यूल्स क्या है, एक मेक को चिपकते हैं, दैट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. लिक्विड के फिगर में आपको दिख रहा है कि वो बिखरे बिखरे हुए हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड इज वीक इन सॉलिड, whereas very weak in gases, as you can see in the third figure. Clear? So now next topic is unit and dimensions. So as I already told you that there may be a question depending upon the dimensions. Clear? इस डायमेंशन के ऊपर में एक दो क्वेश्चन रह सकते हैं, गेट में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, वन क्वेश्चन में भी देर, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, प्रेशर, बार, सॉरी प्रेशर, अगेन टॉर्क, मे बी एनी क्वांटिटी मे बी देर. सो यू हैव टू डिराइव द डायमेंशन फॉर द गिवन क्वेश्चन. So as we know, there are three parameters or three quantities on which we can derive the different dimensions, that is length, mass and time. Therefore, the length, mass and time are called as fundamental unit. Inhi teen units se milkar hum different units ko derive karte hain. Wo jo derive unit, jo hum unit derive karte hain, usko hum kya bolte hain, derive unit. Clear? So there are two types of unit, fundamental. उसमें तीन है fundamental unit में, that is length,
जिसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल एल, मास का रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल एम एंड टाइम का रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल टी। ओके, नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो देर आर वेरियस सिस्टम्स ऑफ यूनिट। हम किसी भी क्वांटिटी के पीछे में उसका यूनिट देते हैं, रादर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर स्क्वायर, जूल, पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल द यूनिट्स ऑफ एनी क्वांटिटी, दीज आर द यूनिट्स ऑफ एनी क्वांटिटी, मे बी फंडामेंटल क्वांटिटी और मे बी डिराइव क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल यूनिट और मे बी डिराइव यूनिट। सो दीज आर सम सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS system, FPS system, MKS system, but we use the SI system for the dimensional purpose for giving the unit to the any quantity. CGS stand for centimeter, gram and second. Centimeter means length, gram means mass, and S means second for time. FPS system means foot, pound and second. Okay, foot is for length, pound is for mass, and S is for time, means second. Next unit is MKS. MKS stand for meter, kg and second. M stands for mass, not mass, sorry, meter. K stands for kg, means mass. S stands for, screen not visible, okay just a minute. आशीष बगमारे, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। यस सर, विजिबल। ओके, तो मैं कहां पर था, एमकेएस यूनिट पर। तो एम स्टैंड फॉर मीटर मींस लेंथ, के स्टैंड फॉर केजी मींस मास, एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड मींस टाइम। ओके, बट वी फॉलो द एसआई सिस्टम फॉर गिविंग द यूनिट्स। In SI system, there are 6 basic units, 2 supplementary units and 27 derived units. So, hum isko ek ek karke dekhenge. So, in SI unit, these are the 6 basic units, length, mass, time, temperature, current and luminosity. Luminosity ka jo unit hai, that is candela, dimension uska CD. Okay, so what is luminosity? It is the new term for all of you. The luminosity is an absolute measure of radiated electromagnetic power, radiant power emitted by light emitting object. Clear? In astronomy, luminosity is the total amount of electromagnetic energy emitted per unit time by star, galaxy or other astronomical object. So luminosity is the unit to measure the light energy emitted by the star or any object in the galaxy. Here, iske pehle jo 5 unit hai wo aapko achhi tarike se pata hai, you know very well. The rest of the 5 basic unit used in SI system, that is length, mass, time, temperature and current. Okay, now what are the two different supplementary units? So radiant, radian or steradian are the two different supplementary unit in SI system. Now these are the derived unit. Ye sirf aap isko dekh lijiye ki derived unit kaise hain. वॉल्यूम का मीटर क्यूब, एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो इसमें से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो डिराइव यूनिट है, दीज आर द यूनिट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बेसिक यूनिट।
और डिफरेंट फंडामेंटल यूनिट, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको डिराइव यूनिट है। इसको डिराइव करने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट की मदद लेनी होती है, हेल्प लेनी होती है। क्लियर? सो नाउ कम टू द पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। इसके ऊपर के क्वेश्चंस काफी बार गेट एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आप लोगों के साथ में एट द एंड ऑफ द टॉपिक द गेट प्रीवियस गेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा। क्लियर? सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड? बेसिकली फ्लूइड्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव टाइप्स। फर्स्ट वन इज आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। सो वील सी वन बाय वन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड। सो फर्स्ट फ्लूइड इज आइडियल फ्लूइड। ओके, अ फ्लूइड विच इज इनकॉम्प्रेसिबल एंड हैव नो विस्कोसिटी फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ आइडियल फ्लूइड। ठीक है, आइडियल फ्लूइड इज नॉट फाउंड इन एक्चुअल प्रैक्टिस बट इट इज एन इमेजिनरी फ्लूइड बिकॉज ऑल द फ्लूइड दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट हैव सम विस्कोसिटी, देयरफॉर देयर इज नो आइडियल फ्लूइड इन रियलिटी। तो बेस्ड ऑन दिस सेंटेंस इट इज क्लियर दैट आइडियल फ्लूइड डजंट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। दिस इज ओनली फॉर आवर स्टडी पर्पस। It is an imaginary fluid. Why it is imaginary fluid? Because every fluid exists in the environment or on the earth has some kind of compressibility property or has some kind of viscosity. Here, therefore the ideal fluid is called as imaginary fluid. Such type of fluid doesn't exist in the environment. Okay, ideal fluid is considered only for the study purpose. Ye clear ho gaya? Now, real fluid, a fluid which has at least some viscosity is called as real fluid. Actually, all the fluid existing or present in the environment are real fluid. As I already told, whatever the fluid, different fluids, may be liquid, may be gases, may be steam, present on the environment or on the earth has some kind of viscosity. Therefore, we can say that all the fluid exist in the environment are the real fluid. Okay, next fluid is Newtonian fluid. So what is Newtonian fluid? A real fluid obeys the Newton's law of viscosity. It means if any fluid obeys the Newton's law of viscosity, that fluid is called as Newtonian fluid. So what is Newton's law of viscosity? First of all, we must know what is Newton's law of viscosity. So Newton's law of viscosity states that the shear stress is directly proportional to the shear strain. If the fluid obeys that the shear stress is directly proportional to the shear strain, then that fluid is called as Newtonian fluid. Example, water and kerosene. Next is non-Newtonian fluid. The fluid which doesn't obey the Newton's law of viscosity means the shear stress is not directly proportional to the shear strain. That fluid is called as non-Newtonian fluid. Example, paint and toothpaste. If we take a toothpaste or paint and put it on the floor, the paint
एंड द टूथपेस्ट विल नॉट बी फ्लो ऑटोमेटिकली एज द वॉटर एंड केरोसिटी फ्लोज क्लियर. पेंट मे फ्लोज बट द वेलोसिटी इज डिफरेंट इज वेरी लेस एंड आफ्टर सम टाइम द पेंट मे फ्लो आफ्टर सम टाइम द पेंट मे फ्लो पेंट मे फ्लो बट द वेलोसिटी इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द वॉटर एंड केरोसिन देयरफॉर सच टाइप ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. नेक्स्ट फ्लूइड इज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड. अ फ्लूइड हैविंग वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस मोर देन द यील्ड वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन. क्लियर. इफ इन केस ऑफ एनी लिक्विड द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज मोर देन दैट ऑफ द शियर स्ट्रेन सच टाइप ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड. सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. एज वी नो दैट एवरी फ्लूइड हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग एवरी ऑब्जेक्ट एनीथिंग हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज. सिमिलरली वॉट एवर मे बी द फ्लूइड एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट हैज सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. सो वील सी वन बाय वन वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. क्लियर. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी और मास डेंसिटी. डेंसिटी और मास डेंसिटी. तो मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी सिंपल डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है. मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम. सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मास डेंसिटी और सिंपल डेंसिटी. सो व्हाट इज द यूनिट फॉर मास डेंसिटी. मास डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड व्हाट इज द यूनिट फॉर मास इज केजी एंड यूनिट फॉर वॉल्यूम इज मीटर क्यूब. देयरफॉर द यूनिट फॉर मास डेंसिटी और द डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब. ओके. As the temperature increases, the density decreases. Okay, and as the pressure increases, density also increases. So here are some examples. Like water, the density of the water, as we know, the density of the water is kg per meter cube. The density of the mercury is 13,600 kg per meter cube. And the density of the air is 1.23 kg per meter cube. Likewise, the other fluid has its own density like paraffin oil. Clear? Now specific weight or weight density. So previously we see that the mass density, similarly weight density. So what was the weight density, weight per unit volume. Okay. So it is the definition. What is the definition? Specific weight or weight density is the ratio of weight per unit volume. So symbolical representation of the weight density is small w, weight is capital W and volume is capital V. Therefore the unit for the weight is Newton. Okay, the unit for weight is Newton and unit for volume is meter cube. The weight density, the unit for weight density, the unit for weight density is Newton per meter cube.
Clear? So here are some weight densities of different fluid like water, mercury, and air. So as we can see previously, the mass density was 1000 for water, and here weight density is 9810. Why it is so? Because the mass density is in kg per meter cube and weight density is in newton per meter cube. So if we want to convert, kg into newton, we have to multiply it by 9.81. So if we multiply 1000 into 9.81, it will give me the weight density of the water is 9810. Similarly, if we multiply 13600 into 9.81, will give me this value. How much? 132943 newton per meter cube. Okay. Now, specific volume. Specific volume is the reciprocal of mass density or the density. Specific volume is the reciprocal of mass density or simple density. Then what is the definition for mass density? Mass per unit volume. Therefore, the specific volume is volume per unit mass. Volume per unit mass. Therefore, the unit is meter cube per kg. Okay, meter cube per kg. Next definition is specific gravity or relative density. Specific gravity or relative density. So what is the definition? Specific gravity or relative density is defined as the ratio of density of a fluid to the density of the standard fluid. Density of the fluid to the density of the standard fluid. तो इस definition को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, that is in terms of mass density or in terms of weight density. अगर relative density in terms of mass अगर मुझे लिखना है तो equation किस प्रकार से बनेगी, definition किस प्रकार से बनेगी? The specific gravity is defined as the ratio of mass density of the fluid to the mass density of the standard fluid. क्या बनेगा? It is the ratio of mass density of the fluid to the mass density of the standard fluid. But in case of weight density, specific gravity is defined as it is the ratio of weight density of the fluid to the weight density of the standard fluid. इसके पहले हमने दोनों डेफिनेशन देखी थी, कौन सी? मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी की जो जनरल इक्वेशन है, दैट इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूड. बट इन क्वेश्चन इफ द डेंसिटी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मास, सो यू हैव टू यूज मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूड to the mass density of the standard fluid, or in case if in question weight density is provided to you, so you will use which equation? Weight density of the fluid to the weight density of the standard fluid. So what is the standard fluid? Okay, the standard fluid in case of liquid is water. In case of liquid is water, and in case of gases, the standard is considered as air. As air, okay. Now viscosity. So what is viscosity? Viscosity is nothing but the resistance offered to flow. Resistance offered to flow. Therefore, we can say that
The viscosity is the property of the fluid due to cohesion and interaction between molecules which offers resistance to shear deformation. In case of low viscosity, the fluid may flow with high velocity, but in case of high viscosity, the fluid may flow with low velocity. Example, the viscosity of the water is very less, therefore it flows with high velocity. But in case of jam, in case of paint, in case of honey, in case of tomato ketchup, the viscosity is very high. Therefore, such type of fluid may flow with low velocity. Okay. Different fluids deform under a different rate under the same shear stress. Okay. Fluid with high viscosity such as syrup deform more slowly than fluid with a low viscosity such as water, as already told. With low viscosity, fluid may flow with high velocity, and with high viscosity, fluid may flow with low velocity. Okay. Now, what is shear stress? You already know this equation. Third semester में हमने ये equation derive की थी. This equation stands for the Newton's law of viscosity, which states that the shear stress, that is tau, is directly proportional to the rate of change of velocity with respect to rate of change of distance. And the complete equation, that is du by dy, is known as velocity gradient. If you remember this thing, therefore we can say that the rate of change of shear stress is direct, sorry, the shear stress is directly proportional to the velocity gradient, or we can say that shear strength, or we can say that shear strength. Okay, therefore we can write like this: tau is equals to mu into du by dy, and that mu is the proportionality constant, that is viscosity. Mu जो सिंबल है, विच रिप्रेजेंट द विस्कोसिटी. सो एज यू कैन सी इन द फिगर, देयर आर डिफरेंट लिक्विड्स कंसिडर किया गया है पांच अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, बरोबर. तो उसकी जो फ्लोइंग कैपेसिटी है डिपेंडिंग अपॉन द विस्कोसिटी इज डिफरेंट. तो आप लोगों को लेफ्ट वाले टेस्ट ट्यूब में दिख रहा होगा कि जो लिक्विड है विथ हाई वेलोसिटी फ्लो हो रहा है बिकॉज इसकी विस्कोसिटी इज वेरी लेस. उसके बाजू वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है विथ लो विस्कोसिटी, व्हाई? बिकॉज द विस्कोसिटी इज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन. मिडल वाले ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्लो हो रहा है, व्हाई? बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द विस्कोसिटी. उसके नेक्स्ट वाला और उसके नेक्स्ट वाला इज नॉट फ्लोइंग बिकॉज ऑफ हाई विस्कोसिटी, बिकॉज ऑफ हाई विस्कोसिटी. नाउ डायनामिक विस्कोसिटी, नेक्स्ट यूनिट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डायनामिक विस्कोसिटी. इट इज डिफाइन एज द शियर स्ट्रेस, इट इज डिफाइन एज द शियर स्ट्रेस causing unit rate of shear deformation, that is du by dy. तो इसके पहले हमने एक इक्वेशन देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की, tau is equals to mu into du by dy, और मैंने आपको बताया था that mu is viscosity. Therefore, if you want to calculate the viscosity by using the Newton's law of viscosity, therefore we can write that mu is equals to tau upon du by dy. And that du is nothing but the rate of change of velocity of the flowing fluid, and dy stands for the distance between the two layers of the liquid. Distance between the two layers of the liquid. Okay. Next definition is kinematic viscosity, and symbolic representation is nu. Is nu. It is defined as the dynamic viscosity to the mass density. Therefore, nu is equals to mu upon rho. What is rho? Mass density.
एंड द यूनिट फॉर द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और स्ट्रोक वेर एज द यूनिट फॉर द डायनामिक विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पॉइज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पॉइज Now, next property is vaporization. Okay, vaporization. What is vaporization? Change of phase from liquid state to gaseous. Change of phase from liquid state to gaseous. When it changes the phases, when we apply the temperature. Example, if we take water in a beaker. एंड अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं गैस के ऊपर में तो आफ्टर सम टाइम द लिक्विड इज कन्वर्टेड इन टू गैसियस स्टेट इन द फॉर्म ऑफ वेपर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट इज नोन एज वेपराइजेशन एंड वॉट इज वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन thermodynamic equilibrium condition is known as vapor pressure at given temperature in a closed system. Example, same beaker में पानी लिया उसको हम heat कर रहे हैं तो आप कुछ समय के बाद में आपको देखेगा कि liquid का conversion vapor में हो रहा है अगर आप उसी beaker के ऊपर प्लेट रख देते हैं मतलब वो कंटेनर क्या हो गया क्लोज्ड सिस्टम हो गया तो कुछ समय के बाद में आपको देखेगा कि जो वेपर है वो प्रेशर एक्ट कर रही है कहाँ कर रही है प्लेट के सरफेस के ऊपर में दैट प्रेशर एक्टेड बाय द वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर इन अ क्लोज्ड सिस्टम इज नोन एज वेपर प्रेशर ओके नाउ सरफेस टेंशन What is surface tension? Surface tension is defined as the tensile force acting on the surface of a liquid in a contact with gases or on the surface between two immiscible liquid such that the contact surface behave like a membrane under tension. Example, आप लोगों ने काफी बार देखा होगा कि क्या होता है किसी बीकर में अगर मैंने वाटर लिया काफी दिनों तक अगर वो बीकर एज इट इज रहता है ओपन कंडीशन में तो कुछ समय के बाद में आपको दिखेगा कि वाटर सरफेस के ऊपर में एयर मॉलिक्यूल्स या फिर डस्ट मॉलिक्यूल्स तैरते हुए दिखाई देंगे वो डूबते नहीं है दे फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन एंड द डस्ट पार्टिकल एंड द लिक्विड्स आर द टू डिफरेंट immiscible which create the membrane which behaves like a membrane again example aap logo ne kafi bar dekha hoga ki jaise kafi der dino tak agar water store karke rakha jaye to uske upar aap logo ko insect mosquitoes dikhte hain wo aapko us water surface ke upar mein baithe hue dikhai denge rather than they immersed into the liquid Why? Because of the membrane created by the immiscible liquids. Again, example, if we take the water and the oil and if you want to mix it, but because of the surface tension, because of the immiscible property of water and the oil, oil will flow over the surface of the liquid. Clear. So as you can see in the diagram, clear. एक ग्लास में आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है जो पिन है वो फ्लोट हो रही है वेयर एज द पेपर पीस इज डिप इन टू द वॉटर बिकॉज ऑफ द वॉटर सक बाय द paper piece water sucked by or absorbed by the paper piece it is dipped
बट बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी द पिन इज फ्लोटिंग, द पिन इज फ्लोटिंग. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज बल्क मॉडुलस. So what is bulk modulus? It is defined as the ratio of change in pressure to the rate of change of volume is known as bulk modulus. Okay, rate of change of pressure to the rate of change of volume is known as bulk modulus. Again, we can say that the change in pressure is nothing but the compressive stresses, and the change in volume, we can say that it is the volumetric strain. What is change in volume? Original volume to the, sorry, volumetric strain is nothing but change in volume to the original volume. So therefore, we can say that bulk modulus is equals to change in pressure to the volumetric strain. Example, agar koi cheez ko main compress karta hoon, what will happen? The pressure increases whereas the volume decreases. Whereas the volume decreases. Clear? Original volume is different, but after compression, the volume may get decreases. Okay? Change in pressure means what happened? Pressure kya ho raha hai? Increase ho raha hai. Or volume decrease ho raha hai. Therefore, we considered minus sign here because one property is increasing and one property is decreasing. Therefore, we can write that bulk modulus capital K is minus dp upon dv upon dv. What dv? Change in volume. And what is capital V? Original volume. And what is dp? Change in the pressure. Change in the pressure. Clear? These are the some values of bulk modulus. For water and oil is given. Now next property is compressibility. What is compressibility? Compressibility is nothing but the reduction of volume. Reduction of volume due to change in the external pressure. Due to change in the external pressure. जैसे मैंने आप लोगों को compressibility में example बता दिया था कि अगर कोई चीज को compress करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, एंड दैट चेंज इन द प्रेशर ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज कॉम्प्रेसिबिलिटी. सो कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस. देयरफॉर कॉम्प्रेसिबिलिटी वी कैन राइट वन अपॉन के, वन अपॉन के. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इज कैपिलैरिटी. What is capillarity? The capillarity is the phenomenon of rise or fall of the liquid surface relative to the adjacent general level of the liquid in small tube when the tube is held vertically in the liquid. Okay? So, मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखा देता हूं. यहां पर आप लोगों को दिख रहा है हो रहा है, एक बीकर लिया हुआ है. एक बीकर में हमने एक स्मॉल डायमीटर की ग्लास ट्यूब डीप की हुई है. इस प्रकार से वर्टिकली डीप की हुई है. सो बिकॉज ऑफ द कैपिलरिटी इफेक्ट द लिक्विड मे राइज और फॉल, द लिक्विड मे राइज और फॉल. दैट प्रॉपर्टी ऑफ राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन अ ग्लास ट्यूब relative to the adjacent layer is called as capillarity. मतलब अगर मैं small diameter की glass tube किसी container में अगर vertically position में रखता हूँ तो depend करता है कि container में कौन सा liquid है. तो because of the capillarity क्या होगा, वो liquid small diameter की glass tube में either उसकी लेयर इंक्रीज होगी डिपेंड रिलेटिव टू द एडजेसेंट लेयर ऑफ द लिक्विड, या फिर उसकी लेयर ड्रॉप डाउन होगी अगेन डिपेंडिंग अपॉन द एडजेसेंट लेवल ऑफ द लिक्विड. सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी. क्लियर?
such property is called as capillarity. So capillary rise and capillary fall are the two different things. Capillarity rise occurs in the water, whereas the capillary fall occurs in the mercury. So how we can calculate the capillary rise or capillary fall? So here is the equation to calculate the capillary fall or capillary rise. जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि capillary rise occurs in water and capillary fall occurs in mercury. Why? Because of the density difference. The density of the water as compared to the mercury is very less. What is the density of the water is 1000, and what about the density of the mercury is 13600. Therefore, the mercury may not rise in the small glass tube. Clear? So how to calculate the capillary rise or capillary fall? So here is the equation. The capillary rise or capillary fall can be calculated, may be denoted by small h. Symbolical representation is small h. So small h is equals to 4 sigma cos theta upon rho gd. 4 sigma cos theta upon rho gd. This is the equation to calculate the capillary rise or capillary fall. In both case, same equation is used. In both the cases, same equation is used, that is 4 sigma cos theta upon rho gd. Now what is sigma? Sigma is nothing the surface tension of liquid. Jo bhi liquid aap use karenge, jiski capillarity effect aapko calculate karna hai, uska surface tension. Theta is nothing but the angle. So what is the angle? Yahan par aap logo ko dikh raha hai. This is the angle theta. Okay, this angle theta is given to you, will be given to you in the question paper. Now what is sigma? Sigma is nothing. Sorry, what is rho? Rho is nothing but the density of the liquid, and d is nothing but the diameter of that capillary tube. So by using this equation, 4 sigma cos theta upon rho gd, you can easily calculate the capillary rise or capillary fall. So again, the same equation is used. In the figure, you can see that this is the mercury. So mercury ka jo level hai, wo general level ya fir adjacent level se niche hai. So is phenomenon ko hum kya bolenge? Capillary fall. Clear? So this is the end of the today's topic. This is the end of the today's topic. So you can see on my screen some questions which is being asked based on the topic jo humne aaj dekha. To pehla question jo bol raha hai, static fluid can have, ye aaya tha question gate 2001. Clear? So static fluid kya hota hai? These are the some options given to you: non-zero normal and shear stress, negative normal shear and zero shear stress, positive normal and zero shear stress, zero normal and non-zero shear stress. What is the correct answer? Is positive normal and zero shear stress. Clear? Now for Newtonian fluid, this is the question which is asked in gate 2006. जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि what is Newtonian fluid? The options are shear stress is proportional to the shear strain. जैसा मैंने आप लोगों को definition में बताया, the Newtonian fluid is the it is the ratio of shear stress to the shear strain. Shear stress is directly proportional to the shear strain. The option is A. Rest of the options are wrong. Now next question. Depending on the unit, ये भी मैंने आपको बताया था कि यूनिट के ऊपर का एक क्वेश्चन रहता है. द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी. जब मैंने काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डेफिनेशन बताया था तो आपको बताया था कि यूनिट फॉर द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. मीटर स्क्वायर पर सेकेंड.
ऑप्शन इज अगेन ए, 2001 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन फॉर सरफेस टेंशन, डायमेंशन फॉर सरफेस टेंशन। तो यू हैव टू नो, यू मस्ट नो द यूनिट फॉर द सरफेस टेंशन। डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट फॉर द सरफेस टेंशन, आप लोगों को इसका यूनिट डिराइव करना पड़ेगा। व्हाट इज द यूनिट फॉर सरफेस टेंशन? Anyone knows unit for surface tension? The unit for surface tension is Newton per meter. What is the unit for surface tension? Newton per meter. What is Newton? What is the correct answer? Option D. Okay, option D, meter MT to the power -2. ठीक है, अगेन इन टर्म्स ऑफ अनदर, द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन 1997, दिस इज 1996, ऑप्शंस आर डिफरेंट। द डायमेंशन फॉर सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर, देन वाट पर मीटर। तो आंसर इज सी, जूल पर मीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज द अगेन क्वेश्चन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। अगेन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज गिवन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू गिवन दी है 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी वेरिंग अप्रोक्सिमेटली, मीन्स द प्रीवियस वैल्यू, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी प्रीवियस वैल्यू इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको डिफाइन करना है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड में काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, जो आपको गिवन दी है 1.6 इनटू 10 रेस्ट पावर -4 इज फॉर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी फ्लूड, व्हाट विल बी द काइनेमेटिक विस्कोसिटी? तो ये इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन है उसका। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर। अगेन व्हाट इज न्यू? न्यू इज म्यू अपॉन रो, एंड रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू, दैट इज 2.20 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, वील सी इन नेक्स्ट क्लास। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क। एनी डाउट यू कैन पुट योर डाउट्स ऑन चैट बॉक्स।